हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि 11 अगस्त को काफी बड़ा धमाका होने वाला है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि गदर 2 एडवांस बुकिंग में फाड़ रही है। और सच में क्या फाड़ रही है ये, सच में यार टिकट फाड़ रही है। मतलब सच में यार इतने ज्यादा अच्छी सेल हो रही है ना इस मूवी के टिकट्स की, जो कि काफी बड़ी बात है। और सच बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मूवी का एटीपी काफी कम है। एटीपी यानी एवरेज टिकट प्राइस। एवरेज टिकट प्राइस इस मूवी का काफी कम है। ये मूवी सिंगल स्क्रीन में 80, 90, 100, 150, 110 रुपए में भी देखी जा सकती है, जो कि काफी बड़ी बात है। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं मूवी टिकट्स का प्राइस क्या होता है, 200, 250, 300 का रुपए। लेकिन इस मूवी का जो प्राइस है वो काफी कम रखा गया है। इसी कारण से ये मूवी फाड़ने वाली है, सच में काफी अच्छा फाड़ने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब ये मूवी का टीजर आया था कि ये मूवी आराम से 15 से 20 करोड़ जाएगी ओपनिंग का। जब ये ट्रेलर आया तो मैंने कहा ये मूवी 25 करोड़ जाएगी। और जब से इस मूवी का लास्ट गाना आया है मैं निकला वो गड्डी लेकर, तब से मैं कह रहा हूँ ये मूवी 28 करोड़ के आसपास जाएगी। और डेफिनेटली ये मूवी 28 करोड़ के आसपास जाने वाली, क्योंकि इस मूवी का जो आज तक की एडवांस बुकिंग हुई है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। आज तक इस मूवी की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो 4 करोड़ 25 लाख के आसपास की हो चुकी है, जो काफी बड़ी बात है। 4 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग, जो कि काफी अच्छी बात है। डेफिनेटली इस फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जो राइट फिगर है वो मैं एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकता कि इतना ही है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट्स मेरे को मिली है उसके हिसाब से 4 करोड़ 25 लाख की इसकी ओपनिंग एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो देखते हैं कि इस मूवी का ओपनिंग क्या रहता है। मेरे हिसाब से ये मूवी 28 से 30 करोड़ के बीच में जा रही है ओपनिंग डे पर। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।